सबसे पहले तो हम समर सिंह आप सब लोगों के प्रणाम करता नहीं, और बहुत खुशी की बात है कि आज मामिंदर जी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं लव लेटर के, और लेखक भी हैं, निर्देशक भी हैं, तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, मतलब समर सिंह और लव लेटर की टीम और तमाम जितने भी हमको प्यार करने वाले भोजपुरिया भाई लोग हैं, सब लोगों की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप खूब बड़ा बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाएं ताकि बहुत सारे लोग आए आपके बीच में, और जो प्रतिभाएं पीछे हैं, छिपी हुई हैं, उनको भी आगे लेके आएं। और हम लोग आज उनके जन्मदिन के अवसर पे इस फिल्म का गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर मुन्ना दुबे जी हैं। बहुत अच्छा अच्छा गाना मतलब बनाया है मुन्ना भैया ने, दिल खुश हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन मुहूर्त के दिन हम नहीं थे, शूटिंग पे थे और टाइम नहीं मिल पाया, क्षमा चाहेंगे। लेकिन आज गिरीश भैया हैं और आशीर्वाद भी दिए और आए भी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग बस रिकॉर्डिंग करके फाइनल कर दिए हैं, और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएगा ये सब फिल्म। इस फिल्म में आठ गाने हमारी फिल्म है, तो हम तो बहुत सारा गाएंगे। एक आइटम सॉन्ग छोड़ कर सात गाने ही नहीं गाने, गाने बहुत अच्छे हैं। और फिल्म के सोलो हीरो हैं आप, हाँ, इसलिए। और हमको लगता है कि भोजपुरी में ये अलग गाना होगा इस फिल्म का, क्योंकि जो बनाया मुन्ना भैया ने, और मुझे खुद लगा कि नहीं, हाँ, ये गाना कुछ करेगा। फिल्म की शूटिंग कहाँ करने वाले और आपकी नायिका कौन है? इस फिल्म में नायिका के रूप में हैं ऋचा दीक्षित हैं, और श्रुति राव हैं, और गिरीश भैया हैं विलन, जो कि आप लोग देखे हैं बहुत सारी फिल्मों में हैं। अब आशीर्वाद हमको दे रहे हैं लव लेटर से, और ये फिल्म शूट होगी फरीदाबाद में, और जो कि गाने उन्हें इसके बाहर शूट किए जाएंगे, नैनीताल और भी जगह पे। ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं, लेकिन सारी जानकारी गिरीश भैया देंगे आप लोगों को। और हम NCR दिल्ली में भी शूट, हाँ, कर रहे हैं, दो तीन लोकेशन पे, दो तीन गाने, और करीब चार पांच गाने हम लोग नैनीताल में शूट करेंगे, हल्द्वानी नैनीताल में। तो ये हम लोगों का ही प्लान है। लव लेटर बारे में समझ गया, बात करिए जैसे कि लेटर अब आजकल पेपर से आता है जी, लेकिन हीरो को आज भी लव लेटर मिल रहा है इस फिल्म में उसका हकदार। चीजें पुरानी हो जाती है, उसको दिखाना मतलब नए तरीके से होता है। तो जैसे कि हम गाने में ही देखिए, तो जो चीज़ पुरानी हो गई थी, नहीं कोई गा रहा था तो हमने गाया, आज वो चीज़ें लोगों के लिए नई लग रही है। तो कुछ पुराना नहीं होता है, बस उसको दिखाने का तरीका अलग होता है। मतलब आपका सबसे पहले ममेंद्र जी